हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवरसीज अरीना एंड माय नेम इज संजय। आज का जो वीडियो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स इन यूके, बिकॉज नाउअडेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डन देयर ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ वो प्लान कर रहे हैं बैचलर्स और मास्टर्स स्टडी इन यूके। जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की जो डिमांड है अभी यूके में, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, वो अभी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस डेटा देखें 2021 और 2022 में जो स्टूडेंट्स यूके पढ़ने रहे हैं, राइट, उनका जो नंबर है 1,20,000, राइट, और ये 2025 तक और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो ये जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, फर्स्ट थिंग, राइट। अब इस कोर्स को चूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? पहला तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा हाई है इसके अंदर, राइट। सेकेंड थिंग जो है, इस कोर्स को करने के बाद डजेंट मैटर आप यूके में ही जॉब लेते हैं, वर्ल्ड वाइड लेते हैं, या फिर कम बैक टू इंडिया और यहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज हर जगह मिलेगी यहाँ पर। अब इस कोर्स में जो मेन की पॉइंट्स हैं वो है, पहला तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनैलिटी के बारे में समझने को मिलता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में समझने को मिलता है, राइट। ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एम्प्लॉय हायर करती हैं और जिनको ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए सो जो कि उनको उनकी प्रोडक्ट को या उनकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सके, राइट। अब जो मेन फोकस सब्जेक्ट है इस कोर्स में वो क्या है, जैसे हो गया फाइनेंस, हो गया मार्केटिंग, हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट, हो गया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हो गया, राइट। ये जो स्किल्स है ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अब अपन बात कर लेते हैं कि व्हाई यूके इज बेस्ट फॉर द बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स। तो अब अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, राइट, और आपको आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 से 4 साल का, और अगर आप बैचलर्स कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका जो कोर्स होता है, कोर्स ड्यूरेशन, वो होता है 1 साल से लेकर 2 साल तक का। अब अपन बात करते हैं यूके में जो ट्यूशन फी है इस डिग्री के लिए, जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो किस रेशो में होती है या किस टाइप से होती है। तो अगर अपन देख, यूके में दो तरह की यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज है, आपने अगर नाम सुना है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज का, राइट। तो अगर आपको नहीं पता रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो मैं एक नया एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जिसके अंदर मैं पूरा रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको समझाऊंगा, राइट। तो अभी अपन बात करते हैं बेसिक जो यूनिवर्सिटीज हैं बिजनेस और मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर यूनिवर्सिटी यूके में जो है बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करती है, राइट। यू विल गेट अ चांस कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, चाहे वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, मिड रैंक यूनिवर्सिटी हो, राइट, तो वो आपको एडमिशन मिल जाएगा इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स। अब जो फीस स्टार्ट होती है वो होती है 15,000 pounds से लेकर 37,000 pounds तक, राइट। ये फीस जो होती है बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम के लिए होती है। अब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ये फीस 1 साल या 2 साल के लिए पे करनी है, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल या 4 साल के लिए आपको ये फी पे करनी रही, राइट। अब जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, फेमस हैं इनके बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए, तो आपने नाम सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSC, राइट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL, राइट। सो दिस लाइक दोज यूनिवर्सिटीज आर बेस्ट, दी बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूके। अब अगर अपन बात करें कि कितने टाइप की ये बिजनेस और मैनेजमेंट डिग्री होती है, तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट, बैचलर्स इन मार्केटिंग, बैचलर्स इन फाइनेंस, बैचलर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अगर अपन बात करें मास्टर्स के लिए तो मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड द MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब What is the difference? कि भी डिफरेंस क्या है बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट और MBA में। फर्स्ट ऑफ ऑल, MBA जो है वो आपको उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम 3 or 4 years, राइट। तो अगर आप सपोज रिसेंट ग्रेजुएट हैं तो यूके में आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सपीरियंस मांगती है, विच अगर आपके पास नहीं है तो यू आर एलिजिबल फॉर द बिजनेस मास्टर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज। बट यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती है विदाउट एक्सपीरियंस के, राइट, एंड MBA कोर्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं आपको जॉब्स किस टाइप की मिलती है बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के बाद। सो सपोज आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, राइट, तो अब आपको जो आपकी जो स्किल्स आपने ली है उस कोर्स के अंदर, राइट, उसमें आपको आप अप्लाई कर सकते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ऑफिस मैनेजर की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, फाइनेंशियल ऑफिसर,
इस तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज जो सैलरी होती है वो जो स्टार्टिंग प्रोफेशनल जैसे डिग्री आपने इनिशियली लाइक खत्म करी है तो वो स्टार्ट होती है 24,000 से, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कपल ऑफ ईयर्स का तो उसमें आपको सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो मिलती है करीबन 34,000 pounds समथिंग। अब अपन बात करते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है बिजनेस एंड मैनेजमेंट डिग्री के बाद का, वो क्या है। जो गार्जियन यूनिवर्सिटी गाइड है 2023 उसमें बिजनेस एंड मैनेजमेंट की जो रैंकिंग आई थी उसके फोर्स के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो वो काफ़ी अच्छी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसमें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ 93% ऑफ ग्रेजुएट गेट द जॉब, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक 92% स्टूडेंट गेट द जॉब, किंग्स कॉलेज लंदन 92% ग्रेजुएट्स गेट द जॉब, राइट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 88%, नॉबरोर यूनिवर्सिटी 88%। दोज यूनिवर्सिटीज कैन ऑफर यू अ गुड प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। अब अगर अपन एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें मैनेजमेंट कोर्स के लिए, तो बैचलर्स के लिए यू मस्ट क्लियर योर 12th विद मिनिमम 60%, एंड आपका जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 6.0 नो बैंड लेस देन 5.5 और 6.0 नो बैंड लेस देन 6.0। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप यूके में काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको आईएलटीएस वेवर भी दे देती है, तो दैट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल, राइट। अब अगर हम मास्टर्स की बात करें, अगर आप मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अकेडमिक रिक्वायरमेंट जो होती है। अगर अपन मास्टर्स की बात करें, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए, तो बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो बैचलर्स का जो डिग्री है उसमें आपके मिनिमम 55-60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर अपन बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, आईएलटीएस की, पीईटी की, आईएलटीएस में आपको चाहिए 6.5 नो बैंड लेस देन 6.0। का यूनिवर्सिटी है जो आपको 6.0 नो बैंड लेस देन 5.5 पे भी एडमिशन दे देती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स शेयर कर दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको एडमिशन दे देगी 6.0 नो बैंड लेस देन 5.5 पे, तो उसमें कोई लाइक यू कैन अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है। अब मेन चीज आती है कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट कोर्स में जाना है, एंड यू वांट टू मेक योर करियर इन दैट नीड, राइट, तो अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है यूके में जो आपके लिए प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटीज हो सकती है, राइट। तो जैसे है आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन एंड्रयूज, वॉरविक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ, लॉबरोर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, किंग्स कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज।